नेक्सा का जेन्युइन बॉक्स आपके रहने वाले हैं। इसमें आए थे आपके सारे अलॉय व्हील्स। ये अपना हमने इंस्टॉल किया है अपना टॉप मॉडल वाले स्टीयरिंग। बेस मॉडल में ऐसा आता है इसमें और एसी वेंट 1 अपना इग्निशन स्विच वाला 2। अगर आपको ओवरऑल बताऊं तो इसमें 1,10,000 रुपए का खर्चा आया। ठीक है, सॉफ्ट टच, ठीक है। अपना गियर कंसोल से मैंने लॉक लगा दिया, ये देखिए, फिर से मैंने लॉक खोला। प्रोजेक्टर आता है, प्रोजेक्टर के अंदर अपने जो एलईडी इंस्टॉल्ड किए वो 130 वॉट वाई बता रहे हैं। खा दिया प्रॉपर जैसा बॉक्स देख सकते हो भाई, अपना नेक्सा जेन्युइन का अलॉय लगने गया। तो ये देखो भाई, प्रॉपर्ली आपका जेन्युइन अपना अलॉय है। बात करें तो हमने फ्रंट में इसके अंदर यूएसबी अपग्रेड किया है, जैसे ये देखिए भाई, नीचे कोएक्सल लगाया। बूट एरिया में बात करें तो बूट एरिया में हमने पार्सल ट्रे लगाया, ठीक है। नीचे बूट की जीएफएक्स मैट लगाई है, कर दिया, ओके कर दिया गाड़ी। अब आप मुझे बताओ हमें 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 नंबर दूंगा, 10 में से 10। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। आज हमारे पीछे जैसा देख रहे हो एक बार फिर से भाई, आज का ये तीसरा शूट है अपना प्रॉपरली ग्रैंड विटारा के अंदर। भाई इसके अंदर भाई काफी सारा काम हो रहा है। मेनली जो इस ग्रैंड विटारा की जो मेन हेडिंग है हमारी आज की वीडियो की बनाने की, वो है भाई अपना गाड़ी के अंदर जो चेंज हो रहा है भाई अलॉय व्हील। तो भाई इसके अंदर जैसा देख सकते हो, इधर मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो अलॉय व्हील अभी नहीं है गाड़ी के अंदर, जैसा देख सकते हो। तो इधर वाले अलॉय अभी रह गए हैं, व्हील नॉर्मल आते हैं। तो इधर के भी खुल के चले गए हैं, वो अपने आ रहे हैं अलॉय व्हील टॉप मॉडल वाले। कैसे कैसे प्रोसेस है, क्या क्या है, पूरा आज की वीडियो में दिखाने वाले। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, करते हैं आज वीडियो शुरू, लेट्स गो। जैसा देख रहे हो भाई, अपने ये वाले नॉर्मल व्हील्स थे, ठीक है, और इनको चेंज करके हमने इसमें इंस्टॉल कर दिए भाई अपने अलॉय व्हील। बाकी अभी देखो जैसे जैसे चार हो जाए, अभी देखो उधर के दोनों गए हैं, इनके अंदर भाई अभी अलॉय इंस्टॉल होने गया है। बाकी जैसा देख सकते हो दोनों टायर यहाँ पे खुल चुके हैं, बाकी इन्हें जाने तो एक बार इंस्टॉल हो जाए। पूरा ओवरऑल लुक आप लोगों को एक बार मैं चेकआउट कराऊंगा कि कैसा आ रहा है, क्या है, सारा कुछ मैं आज की वीडियो में आप लोगों को चेकआउट कराने वाला हूँ। तो भाई लोगों जैसा देख रहे हो भाई, अपना अलॉय आ चुका है, जो मैंने बोला था भाई टायर पे अलॉय लगने गया। तो ये देखो भाई, प्रॉपरली आपका जेन्युइन अपना अलॉय है भाई। देखो अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है भाई, कुछ भी कटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, प्रॉपर आया है, अलॉय चेंज हुआ है, टायर अपना वही रहने वाला है और अपना अलॉय लग गया है। तो भाई अभी अपना लगा रहे हैं, फिर बाकी एक बार आप लोगों को पूरा लुक चेकआउट कराऊंगा जब एक बार प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो जाएंगे चारों अलॉय व्हील्स। मैं जैसा देख सकते हो अभी बिल्कुल अनबॉक्स हो रहा है अपना। ये है अपना पियानो ब्लैक किट अपना, जो कि आपका लग रहा है आगे जो अपनी हेडलाइट आती है इसके नीचे आती है। तो अभी देखो नॉर्मल ऐसा लगने के बाद जो लुक है वो आप लोगों को चेकआउट कराऊंगा। और अपना एक आ जाता है अपना डोर वाइजर, रेन वाइजर, जिसका दो तीन तरीके, ये देखिए। तो भैया ने यहाँ पे दिखा दिया प्रॉपर जैसा बॉक्स देख सकते हो भाई, अपना नेक्सा जेन्युइन का रहने वाला है भाई। आपको रेट वगैरह सब कुछ डले हुए हैं, बाकी कैसे कैसे प्राइसिंग है, क्या है, वो सारे अपने विपुल भाई बताने वाले हैं। बाकी भैया इसको कर रहे हैं इंस्टॉल्ड। बाकी भैया इसमें कोई तार वार ऐसा कुछ तो कटेगा नहीं, ये तो चिपकेगा, पेस्टिंग है, तो प्रॉपरली पेस्टिंग है, तो प्राइमर वगैरह लगा करोगे ना एकदम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई अपनी प्राइमर वगैरह लगा रहे हैं भैया अपने, प्रॉपर इसको काम करेंगे। देखो भाई जैसा देख रहे हो प्राइमर पहले यहाँ पे लग गया। भैया प्राइमर से क्या फायदा होता है, पेस्टिंग पकड़ता है, बहुत बढ़िया। तो जैसा मैं आप लोगों को भैया बता रहे हैं भाई, प्राइमर से क्या होता है, प्राइमर लगने के बाद ना यहाँ पे आपकी पेस्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, एक बार लग जाएगा छूटेगा नहीं जिंदगी भर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसा देख रहे हो अपने प्रॉपरली नेक्सा का जेन्युइन बॉक्स आपके रहने वाले हैं। इसमें आए थे आपके सारे अलॉय व्हील्स, ठीक है जी, ये सारे अलॉय व्हील इसके अंदर। अब आपको नॉर्मल भाई नॉर्मल रिम रखे हैं ना इसके अंदर, बहुत बढ़िया। तो भाई इसके अंदर आप नॉर्मल अपने काले से जो आते हैं वो रखे हुए हैं नॉर्मल रिम्स। बाकी आप देख सकते हो भाई प्रॉपर इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। तो जैसा यहाँ पर देख रहे हैं भाई, आज की वीडियो हमारे साथ रहने वाले हैं विपुल भाई। कैसे हो विपुल भाई? बढ़िया भैया बढ़िया। तो भाई ये तो अपना दूसरा तीसरा शूट है आज का ग्रैंड विटारा का, ये दूसरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है भाई ग्रैंड विटारा का। जैसा देख रहे हो भाई रॉयल ब्लू कलर भाई बहुत प्यारा लग रहा है, वैसे एक्चुअल मुझे पता नहीं, वैसे हमारे में तो रॉयल ब्लू बोल देता हूँ मैं। बाकी विपुल भाई बात करते हैं आज की वीडियो में, हमारे पास जो ग्रैंड विटारा है इसके अंदर हमने आज क्या क्या काम किया है? इसमें सर पूरा ही काम था, लगभग पूरा ही काम है, ठीक है। हेडलाइट के अंदर एलईडी है, ठीक है। हाइपरसोनिक की हमने मॉन्स्टर सीरीज 130 वॉट जो रेगुलर जिसमें हम गाड़ी में डालते हैं ग्रैंड विटारा में, हमने ये डाला है, इसका रिस्पांस अच्छा है। वारंटी की बात करें तो वारंटी भी इसकी आपको मैं 1 ईयर की दे देता हूँ, बिल्कुल। बाकी उसके ऊपर जब भी कोई भी दिक्कत हो बैठा हो, बिल्कुल सही बात है। एक बार इसका थ्रो चेकआउट कराता हूँ, थ्रो देख सकते हैं इसका, सामने आप लोग देख सकते हो अभी फिलहाल अपनी हाई बीम पे। आपको जैसा पता है ग्रैंड विटारा के अंदर प्रोजेक्टर आता है, प्रोजेक्टर के अंदर अपने जो एलईडी इंस्टॉल्ड किए वो 130 वॉट वाई बता रहे हैं, है ना जी। हाइपरसोनिक मॉन्स्टर सीरीज, हाइपरसोनिक मॉन्स्टर सीरीज। हेडलाइट पे पियानो जो अपना गार्निश आता है, पियानो गार्निश से जैसा मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि जब इंस्टॉलेशन चल रही थी, अभी ये विद प्राइमर इंस्टॉल किया गया, कोई नॉर्मल पेस्टिंग नहीं है, प्राइमर दिखाया अपने व्यूअर्स को अपनी वीडियो के अंदर कि प्राइमर के साथ ही हम सारी चीज इंस्टॉल कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं काम हो रहा है, ठीक है जी। इसके बाद और साइड से बात करें, फ्रंट से तो इतना ही काम था, साइड से बात करें तो साइड में आप देख सकते हैं इसकी अलॉय चेंज हुई है बिल्कुल। ये देखिए भाई, जैसा आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि अलॉय अपने इंस्टॉल्ड हो गए हैं। तो अभी आप देख सकते हो, एक बार ये हटा दीजिए बॉक्स जो है अपना, तो अपना जैसा देख सकते हो भाई अलॉय का जो लुक आ रहा है वो कुछ ऐसा लुक आ रहा है। बाकी हमने अलॉय कितने रुपए में इसकी इंस्टॉल किया है? वही 34,000।
तो भाई 34,000 जैसा अपने वीडियो के अंदर हमने लोग बताया ऑलवेज भाई खुला रेट है मार्केट के अंदर, कोई वो नहीं है। बिल्कुल, अगर रिम देते तो 1,000 रुपए आपका माइनस भी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 34,000 रुपए के अंदर हमने इसका अलॉय चेंज किया जो अपना टॉप मॉडल के अंदर रहने वाला है। साइड से बात करें तो हमने इसकी ORVM ऑटो फोल्ड की है, ठीक है, ऑटो फोल्डिंग रिले लगा के। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सी कंपनी की रिले यूज की? आरडी कंपनी की रिले, आरडी की रिले यूज करी है। और हमने डोर वाइजर इसके अंदर इंस्टॉल किया, जैसे आप देख सकते हैं जेन्युइन नेक्सा का, आपने फ्रंट में दिखाया होगा कि हमने अपडेट जेन्युइन नेक्सा का क्रोम लाइनिंग वाला डोर वाइजर रहने वाला है, ठीक है, देख सकते हैं। बाकी साइड में फुटरेस्ट इसका ऑन ऑर्डर आने वाला है, फुटरेस्ट के लिए दोबारा गाड़ी आएगी, अभी था नहीं हमारे पास स्टॉक के अंदर। बैक साइड से बात करें तो बैक साइड में हमें इसका टेल गार्निश आती है वो देखिए, और बाकी जितने भी गार्निश की आइटम है वो सारे हमारे पास अवेलेबल है। ऑन 25% डिस्काउंट आपको मैं दे दूंगा ऑन MRP, ठीक है, ठीक है। बाकी इसके अंदर हमारा इंटीरियर के ऊपर काम था, अलॉय तो इसका मोटिव था, देख लीजिए अलॉय हमारे पास अलॉय अवेलेबल है 34,000 विद अलॉय, रिम एक्सचेंज में 1,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर अंदर से बात करूं तो अंदर से हमने इसके अंदर एंड्रॉइड लगाया है, ठीक है। हमने आप लोगों को बताया था इसके अंदर हमने ऑटो फोल्डिंग मिरर की है, वैसे तो इसके अंदर आते हैं लेकिन लॉकर अनलॉक के साथ नहीं आते, अपने की के साथ। तो भाई जैसा देख सकते हो बहुत ही प्रीमियम सी की अपनी मारुति ऑफर कर रही है हमारे सारे कस्टमर्स को। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऑटो फोल्डिंग वर्क कैसे कर रहा है इसका। ये देखिए अभी लॉक है गाड़ी, अब मैं लॉक ऑन कर दिया, ये देखिए फिर से मैंने लॉक लगा दिया, ये देखिए फिर से मैंने लॉक खोला, ये देखिए। तो ये अपना कुछ ऑटो फोल्डिंग अपना ऑटो फोल्ड हमने इसके अंदर रिले से अपग्रेड किया है, ठीक है। बाकी इंटीरियर में हमने डैम्पिंग किया गेटों में, अंदर चल के बात करते हैं इंटीरियर की। तो भाई लोगों लेके चलते हैं आप लोगों अंदर, विपुल भाई तो अंदर पहले मुझसे बैठ चुके हैं, अब बात करते हैं अंदर हमने क्या क्या काम किया है। भैया देखिए इसके अंदर हमारी तो एक फ्लोरिंग थी, ये मैक्सिमम गाड़ी आएगी कल या परसों आएगी जिसमें फुटरेस्ट भी हमें इंस्टॉल करना है। फ्लोरिंग का काम सर ने पेंडिंग करवा दिया, सर को डिले हो रहा था, फ्लोरिंग है, GFX मैट इंस्टॉल करना है, और बूट मैट में भी हमारे को GFX इंस्टॉल करना है, ठीक है। अंदर की बात करूं तो स्टीयरिंग आप देख सकते हैं, स्टीयरिंग पूरा का पूरा हमने चेंज किया है, ये देखिए कुछ इस टाइप की स्टीयरिंग आती है, हमने चेंज करके आपका ये देखिए। तो भाई लोगों जैसा देख रहे हो अपना ये अपना हमने इंस्टॉल किया है अपना टॉप मॉडल वाले स्टीयरिंग, बेस मॉडल में ऐसा आता है, इसमें और इसमें सिर्फ क्या फर्क है वो और बता दीजिए। देखिए इसमें कॉलिंग फंक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है, पुश की आपको डेमो मिलेगी, ठीक है, वर्किंग नहीं है, बहुत हमने इसमें स्टीयरिंग रैप भी करा, देख सकते हो OEM स्टीयरिंग रैप होने वाला है जो की प्रॉपर। इसके अंदर हमने जो एक दूसरा काम भी किया है, हमने 6 पीस का इनके अंदर इंटीरियर अपना जो किट आता है, मैं एक बार अपने भाई को 6 पीस दिखवाता हूँ कैसे कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहले अपने AC Vent 1, अपना इग्निशन स्विच वाला 2, सॉफ्ट टच, ठीक है, अपना गियर कंसोल 3, और अपना फिर जैसा देख सकते हो ये भी अपना ग्लॉस ब्लैक के अंदर आ जाता है 5, और अपना जैसा देख सकते हो 6। तो टोटल ये होता है अपना 6 पीस का जो सेट है, इसका प्राइसिंग और बता दीजिए। ये 4200 विद इंस्टॉलेशन, ये हमारे पास किट आपको अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है भाई। बाकी इसके अंदर ना आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कपलर टूटेगा कुछ होगा, आपका पहले वाला यूनिट पहले निकलेगा और वो लग जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, देखिए मैं आपको मेरा जो काम होता है उस टाइम मोटिव यही रहता है कि आपको मैं दिखलाऊं कि किस टाइप से हमारे पास वर्क होती है, किस फिनिशिंग के साथ होती है, ठीक है। फ्रंट की बात करें तो हमने फ्रंट में इसके अंदर USB अपग्रेड किया, जैसे देखिए भाई USB रियर में हमने USB इंस्टॉल किया, रियर का एक बार दिखा देता हूँ मैं, जैसे हम हर विटारा के अंदर इंस्टॉल करते हैं, ये देख सकते हैं विद डबल स्विच के साथ रहना फास्ट चार्जर वाला, ठीक है। डायरी इसकी बात तो हमने इसमें ब्लॉक बस्टर का डबल लीड डैम्पिंग किया, ठीक है, और इसके अंदर हमने प्राइमस का फ्रंट में कंपोनेंट लगाया विद ट्यूटर सेस जो कि अपने हर गाड़ी वाले को फ्री देते हैं। तो भाई ये जैसा देख रहे हो ट्यूटर सेस ये होते हैं, ये हम अपने सारे जो भी हमारे पास काम कराते हैं उनको हम फ्री देते हैं बिल्कुल, ठीक है। ट्यूटर सेस के साथ हमने इसके अंदर ट्यूटर लगाया प्राइमस का, और पीछे हमने प्राइमस का कोएक्सल अपग्रेड किया, आगे कंपोनेंट पीछे कोएक्सल, ठीक है। बाकी साउंड क्वालिटी में आपको सुनाऊंगा, सर ने हाइपरसोनिक का अभी एंड्रॉइड लगवाया, ठीक है, सर को इसको चेंज करवाना है, मैंने अभी रिकमेंड नहीं किया, बट सर मैंने रिकमेंड किया हाइपरसोनिक, बट सर कह रहे हैं मॉडल का उनको 6128 जो मॉडल आता है वो, ठीक है, आपको लगा सर की चॉइस है, उनको वो चाहिए, एक दो दिन के बाद आएंगे तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। बाकी फ्रेम की बात करें, फ्रेम हमारा ग्लोसी फ्रेम रहने वाला है, ये नॉर्मली अभी मैंने सर को एंड्रॉइड लगा के दिया, ठीक है, 16 का अपना ये एंड्रॉइड रहने वाला है, 16 का कारप्ले एंड्रॉइड। एक बार इसकी परफॉर्मेंस इसकी भी चेकआउट करा देते हैं, एक बार इसका टच रिस्पांस दिखा दीजिए। देखिए इसका टच रिस्पांस देख सकते हैं आप, हाइपरसोनिक भी अपना अच्छा ब्रांड है, बाकी अगर आप लोगों को अपना कोई ब्रांड चाहिए तो वो भी हम अवेलेबल करा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। तो बाकी भाई अंदर में यही सारा काम हुआ अपना, सिग्मा मॉडल वाले भाई के लिए हमारे पास 360 इंस्टॉलेशन भी है, हाँ, उसकी प्रॉपर्ली पूरी वीडियो डाल रखी है हमने, जो आपके चैनल पे डाल रखा है उसको भी देख सकते हैं। बाकी हमारे पास 360 आपको 20,000 से लेके आपको स्टार्टिंग रेंज हो जाती है, आप आइए एक बार कोटेशन लीजिए, काम
आपको जेन्युइन टू जेन्युइन काम देने का फर्ज मेरा पूरा रहेगा। बिल्कुल। बाकी इसके अंदर डबल लेड डैम्पिंग के हमने गियर नॉब चेंज किया है, ये देखो मैंने स्पीकर का आपको बता दिया, प्राइमस का कंपोनेंट, पीछे कोएक्सल लगाया है। बूट एरिया में बात करें तो बूट एरिया में हमने पार्सल ट्रे लगाया, ठीक है, पीछे बूट की जीएफएक्स मैट लगाई है, ठीक है, और हमने उसके अंदर बूट लाइट लगाई है। बहुत बढ़िया, तो एक बार वो दिखाते हैं। बिल्कुल जरूर, चलो भाई एक बार आप लोगों को दिखाते हैं। वो भी लोगों को आप दिखाते हैं भाई अपनी जो पार्सल ट्रे है। सबसे पहले ये बिल्कुल एमजीपी की जेन्युइन पार्सल ट्रे रहने वाली है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल रिम सर ने एक्सचेंज नहीं करवाया, बट हमारे पास ऑफर चल रहा है, ₹1000 पे आपका रिम ऑफ हो जाएगा। बाकी अंदर बूट लाइट है, व्हाइट लाइट से एलईडी अपग्रेड कर रखा है। ये देखिए भाई अपनी ये यहाँ पर लगी है बूट लाइट, जैसा देख सकते हो अंदर रोशनी भी आ रही है, ठीक है। अब बाकी ये तो कुछ इनकी एसेसरीज का काम था। बाकी एक बार साउंड सेटअप का भी आपको क्वालिटी सुनाते हैं, जो हमने प्राइमस के अंदर हमने प्राइमस का कॉम्पोनेंट और कोएक्सल लगाया, उसकी एक बार साउंड क्वालिटी चेक करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे भाई जैसा हम लोग अपना म्यूजिक सिस्टम सुना, एकदम परफेक्ट आवाज आ रही है। बिल्कुल परफेक्ट आवाज है सर। बाकी अभी सर को अपग्रेड कराना है। हाँ, अपग्रेड करवाना है। मोको का सर का एंड्रॉइड लगेगा, हाइपरसोनिक टेम्परेरी लगा के दिए, दो दिन के बाद सर का आने का विजिट दोबारा है, फुट रेस्ट लगनी है, बाकी जो भी छोटे मोटे काम रह गए थे एसेसरीज की वो अपग्रेड करवाएंगे सर। चलो तो एक बार सर के पास चलते हैं। मोको अभी आउट ऑफ स्टॉक था, इसलिए सर ने पेंडिंग करके अभी बोला टेम्परेरी आप कोई सा भी लगा दो, ठीक, बाकी इसको अपग्रेड करवाना है मोको से ही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई अभी अपना एक बार चलते हैं और अपना देखते हैं भाई का, लेते हैं एक बार सर से रिव्यू लेते हैं कि कैसे भाई को अपना काम लगा, सब कुछ है, तो चलते हैं। भाई ऐसा बोला था अपने कस्टमर से रिव्यू दिलाएंगे। सबसे पहले भैया आपका नाम क्या रहने वाला है? मानसू नाम है। कैसे हो आप? बढ़िया एकदम बढ़िया। तो भैया सबसे पहले बताओ आप कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ भाई गुड़गांव से। गुड़गांव से, तो भैया आप मेरे पास मतलब हमारे पास ऑटो क्लासिक पे कैसे कैसे पहुँचे हो? भाई मैं आपकी वीडियो देख के इनसे मेरी बात हुई थी, फिर मैं बात करके फोन पे, ठीक है। तो अभी आपका काम हमने पूरा डन कर दिया, ओके कर दिया गाड़ी। अब आप मुझे बताओ हमें 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 नंबर दूंगा। 10 में से 10। काम कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा भाई, एकदम सारी चीज बढ़िया हो गई है, काम से ऊपर व्यवहार बढ़िया लगा भाई का। चलो बहुत अच्छी बात है, हम भी कोशिश कर रहे हैं 100% ऑलवेज अपना दे, तो 10 में से 10 हमें सर ने दिया यहाँ पर। बाकी हमें कुछ बोलना चाहोगे हमारे काम से रिलेटेड कुछ भी? नहीं नहीं, बस दो चार चीजें अवेलेबल नहीं थी, वो टाइम पे अवेलेबल हो जाएंगी, अब इन्होंने भाई ने बोल दिया, मैं वो सारी वो आपने हमें बताया वो आपका हो जाएगा, जो भी छोटा मोटा सामान रह गया। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। तो भाई जैसा मैं देख रहा हूँ भाई अपने कस्टमर अपना थोड़ी बहुत सफाई करा रहे हैं गाड़ी की। हाँ बिल्कुल, ग्लास का काम था, पूरा काम हो गया, क्लीन हो गया, गाड़ी बस निकल रही है, ठीक है, कंप्लीट हो गया पूरा काम। अभी मैं जानना चाहता हूँ भाई अपना पूरा जो इसमें आज काम हुआ इसमें क्या कॉस्टिंग लग गई थी हमारे? एस्टीमेट में अगर आपको ओवरऑल बताऊँ तो इसमें 1,10,000 रुपए का खर्चा आया, ठीक है, बेसिक बेसिक जो काम था, और मेरा अलॉय के साथ आपको ये प्राइस बताया। एंड्रॉइड सिस्टम आप सर ने मोको का लिया तब ऊपर गया, बाकी रेंज कम भी हो सकती है, रेंज ऊपर भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस टाइप की आपको टेस्ट है, किस टाइप का आपको एंड्रॉइड लगाना है, म्यूजिक सिस्टम लगाना है, वो डिपेंड आपके करता है। बाकी ऑन MRP आपको 25% ऑफ मैं क्रोम की गार्निश पे दे रहा हूँ, ठीक, बाकी जो भी प्रोडक्ट है मैंने आपको ओपन रेट बता ही रखा सबका, ठीक है। जैसा देख रहे हो विपुल भाई फाइनली अपनी गाड़ी भी जा रही है, बिल्कुल। एक बार मुझे लास्ट में अपने मोबाइल नंबर और एड्रेस बता दीजिए। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहने वाला 9540544613। बाकी डिस्प्ले पे आपका नंबर शो होगा, ठीक है। करोल बाग में अपनी शॉप है, धनलक्ष्मी के जस्ट अपोजिट अपना ऑटो क्लासिक का शॉप अपना दिख जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पास कितनी स्पेस है, गाड़ी की पार्किंग को आपको गाड़ी की कोई दिक्कत नहीं होगी काम करवाने में, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हैं बैक साइड हमारी, वहाँ पर भी पार्किंग है, तो वहाँ पर भी हमारी गाड़ी लग के काम हो सकती है, और मेरे नजर के अंदर सारा काम होता है, कोई ऐसे नहीं है कि कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है, कुछ नहीं, मेरी नजर के अंदर सारा काम होता है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई लोगों देखो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहने वाला है, थैंक यू सो मच विपुल भाई। एंड में हम क्या क्या कराते हैं? लाइक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है जी। बाकी कोई भी कह रहे तो कमेंट कर लेना, विपुल भाई को डायरेक्ट कॉल कर लेना। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक ले बाय बाय।